जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट फाइन होंगे। बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा, क्वेश्चन क्यूरी आ रहा बिहार पुलिस फायरमैन के ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग। तो आज जो है आपका लगभग सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और तरह से आपको प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि अब जो है आपका समय बहुत कम बचा है। मतलब जिस स्टेज में आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, इसका समय जो है बहुत कम बच गया है। अब जो है आपका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड चेंज होने वाला है और जिसके लिए आप ख्वाब बुन के बैठे थे इतने दिन तक, वो जो है सपना साकार होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज बता दूं कि देखिए, ये गुड न्यूज जो है आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो है कंफर्म हो जाएगा। मतलब कि आपका ज्वाइनिंग जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, ये अप्रैल चल रहा, मई के फर्स्ट वीक में जो है आपका ज्वाइनिंग बिल्कुल हो जाएगा। 99% उम्मीद है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आपको जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपका ज्वाइनिंग एक्सटेंड चल रहा था, अभी कुछ अनऑफिशियल रीजन है जिसको मैं बता नहीं सकता क्यों आप लोगों का ज्वाइनिंग इस तरह से होल्डिंग चल रहा। बाकी एक बात मेरा याद रखिएगा, जब भी आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा एक बार अपने डिपार्टमेंट वालों से जरूर पूछिएगा कि ज्वाइनिंग में इतना देरी क्यों हुई, ठीक है। वे आपको जरूर बताएंगे और वो ऐसा रीजन है जिस रीजन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी आप डिपार्टमेंट में ऊपर जाके पूछना, आपकी ज्वाइनिंग जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने वाली थी, धीरे धीरे जो है ये एक्सटेंड होती चली गई और ये जो है अप्रैल से मई में जाके शिफ्ट हो गई। तो अब जो है आपको ज्यादा समय नहीं गंवाना है, अपना बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और जो है आपको सेफ सिक्योर रहना है और ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं खपाना है, क्योंकि बहुत लोग जो है इधर उधर दिमाग खपाने लगते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करके दे दिया, फिर लगेंगे इधर का वीडियो देखने, उधर का वीडियो देखने, तो ये सब नहीं करना है। अब जो है अपने आप माइंड को जो है कॉन्सेंट्रेट कर लो और बस मान लो कि हमारा जो है नेक्स्ट मंथ में ज्वाइनिंग हो जाएगा। अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, उस तरह से जो है अपने माइंड को समझा लो और ज्यादा इधर उधर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको बैक टू बैक लगभग 5 से 6 वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि ज्वाइनिंग से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नौकरी के लिए। क्योंकि आपको ये पता है कि अपने कम्फर्ट जोन से उठ के आप जो है नए जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। भले आप अभी बहुत एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं कि नौकरी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, नौकरी पर चले जाएं, सैलरी आना चालू हो जाए, लेकिन आपके लाइफ स्टाइल में, आपके जिंदगी में, आपके विचार में बहुत सारे चेंजिंग आएंगे, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और इस तरह की 4-5 टॉपिक होगी जिसपे हम लोग बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, ठीक है। तो जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, अब जो है परेशान नहीं होना है और हर तरह से जो है आप लोगों का जितना सारा प्रोसेस था सब कुछ कंप्लीट हो गया है। पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, तो आपका जो है तुरंत मेडिकल का रिपोर्ट मिलेगा, तुरंत आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी और जिनको भी री मेडिकल मिला होगा एक दिन सबको समय देकर तुरंत करा लिया जाएगा। मतलब कि ज्वाइनिंग के प्रोसेस में ही जो है आपको जिनको भी री मेडिकल मिला होगा तुरंत उनको बुला के री मेडिकल करा दी जाएगी और उसी दिन री मेडिकल कराने के तुरंत अगले दिन चाहे उसी दिन जो है आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और फिर 1 से 2 दिन में जो है आपका भी ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ऐसे एक चीज बता दूं कि जिनका भी जो है मेडिकल में री मेडिकल मिलता है या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई छोटी बड़ी पंगे रहती है तो इनका ज्वाइनिंग जो है किसी अदर डेट पे होता है। मतलब कि इन लोगों का ज्वाइनिंग जो है पोस्टपोन्ड में चला जाता है, पेंडिंग में चला जाता है, तो इसलिए जो है इनका ज्वाइनिंग किसी अलग डेट पे कराई जाती है। मतलब कि नॉर्मल ज्वाइनिंग जो होती है उससे हटके कराई जाती है, तो इनको घबराना नहीं है, ट्रेनिंग पे सब लोग साथ ही जाएंगे, बस ज्वाइनिंग में जो है 2-4 दिन का अंतर रहता है। और जो है अब अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लो और हैप्पी रहो, चलो ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी बन रहा और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ऐसे तो मैं 4-5 टॉपिक पे आपको वीडियो देने वाला हूँ, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी चल रहा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। किसी का पर्सनली कोई मैसेज है या कोई कमेंट है तो वो जो है इंस्टाग्राम पे भी आके हमको मैसेज कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।